हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम चरणजीत कौर है, मैं पौंटा साहिब से हूँ। मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शो करना चाहूँगी। मुझे फाइब्रॉइड्स की आफ्टर मैरिज, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ गई थी, और मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर अरोड़ा हंसराज को चेकअप कराया। उन्होंने मुझे कनिक हॉस्पिटल देहरादून में रेफ़र किया, डॉक्टर रितु गुप्ता जो बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं गायनी में, और उन्होंने बहुत अच्छा मेरा ट्रीटमेंट किया और ऑपरेट के लिए मुझे सजेस्ट किया, और मेरा बहुत ही ऑपरेट सक्सेसफुली हो गया। और उसके बाद मैंने इजीली नेचुरली 6 मंथ के बीच में ही मेरा कंसीव हो गया, और अब मेरा बेबी 1.5 ईयर का हो गया है, और बहुत ही वो स्वस्थ है, एक्टिव है, सब कुछ बहुत अच्छा। और अब मतलब कई बार मैं आप बताना चाहती हूँ, आजकल जो है माइंड में कि फाइब्रॉइड्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पर उसके बाद कंसीव की रहता है लोगों के माइंड में कि कंसीव होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन रहता है माइंड में, पर ऐसा कोई नहीं है। मैं क्लियर बात करना चाहूँगी कि कितने भी फाइब्रॉइड्स हो जो भी, पर उसके मतलब आपको कंसीव इजीली हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कंसीव की, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने मेरा बेबी 1.5 ईयर का हो गया, मैंने सेकंड टाइम फिर कंसीव किया है, तो नेचुरली कंसीव हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेडिसिन ये वो ऐसा कुछ नहीं है, और सब अच्छा है। मतलब फाइब्रॉइड्स से आप कोई डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, और आफ्टर बॉडी की भी कोई इतना दिक्कत नहीं है कि कोई हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा कोई इशू आ जाएगा, हेल्थ इशू आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। और कई बार लोगों को होता है ऐसे माइंड में कि फाइब्रॉइड्स का ऑपरेट कराने में बच्चा ठहरेगा कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देहरादून में कनिक हॉस्पिटल डॉक्टर रितु गुप्ता है, आप उनसे कंसर्न कर सकते हो अपने, जो भी आपको कोई फाइब्रॉइड्स की जो भी आपको कोई और प्रॉब्लम है, वो गायनी स्पेशलिस्ट हैं, और आपको प्रॉपर वो जो भी सजेशन होगा आपको बिल्कुल राइट वो सजेस्ट करेंगे कि क्या आपके लिए ठीक है, और उसके बाद आप कंसीव भी इजीली कर सकोगे। और कनिक हॉस्पिटल के स्टाफ के बारे में और क्लीननेस के बारे में बताऊं, स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही केयरफुल है, और बहुत अच्छे से मतलब कोई भी हमें प्रॉब्लम हो वो जल्दी हैंडल कर लेते हैं, कोई भी हो। स्टाफ कैंटीन का भी बहुत सब अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बाकी सब बहुत अच्छा है, इसका एनवायरनमेंट भी अच्छा है। थैंक यू सो मच।